नमस्ते। नमक का पानी से नाक कैसे साफ करते हैं ये देखते हैं ये वीडियो। ये जब जुकाम होता है तब यूज कर सकते हैं, वैसा ही साइनस प्रॉब्लम्स में, साइनसाइटिस में, एलर्जी में, ऑपरेशन, नाक के ऑपरेशन के बाद और साइनस ऑपरेशन के बाद, ऐसा बहुत सारा कंडीशन है। मैं सिर्फ कॉमन चार पांच कंडीशन बता रहा हूं। ये कंडीशन में आप यूज करेंगे तो नाक बिल्कुल क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है और सांस लेने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। जो किट मिलता है उसमें एक स्क्वीज बॉटल है और एक और ढेर सारे सैचेट मिलेगा। स्क्वीज बॉटल में और सैचेट, ये सैचेट में बहुत सारा कम है, सिर्फ सॉल्ट रहेगा, 2 ग्राम सॉल्ट इन 200 ml में मिक्स करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि सॉल्ट के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा भी हो सकता है। तो ये स्क्वीज बॉटल में गर्म पानी अच्छा सा ठंडा करके ये जो लेवल दिया है वहां तक फिल करना। उसके बाद एक सैचेट फोड़ के इसमें डालो, अच्छा सा शेक करो और एक बेसिन या तो सिंक के सामने खड़े हो जाओ। तो कैसे साफ करना मैं बताऊंगा, उसके पहले एक दो पॉइंट्स आपको बताना है। जब ये पानी ऐसे इंटीरियर नोजल डाल के क्लीन करेंगे तो पानी, नमक का पानी इधर से आके दूसरा साइड नेसल कैविटी से बाहर निकलेगा, थोड़ा पानी मुंह से बाहर निकलेगा। तो ये जो साइड क्लीन कर रहे हैं, अंदर जो भी डर्ट है, मैल है, ब्लड है, एलर्जन है, जो भी है वो साफ करके ये दोनों साइड से बाहर निकलेगा। एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि जब करते हैं पानी अंदर जा रहा है तो आपको सांस मुंह से सांस लेना है, नाक से नहीं। और गलती से भी नाक से अंदर से जल्दी में सांस मत लेना, ऐसा करके मत लेना। ऐसा करने के टाइम में क्या होता है कि पानी अंदर जाके आपको बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके बाद दिल नहीं करेगा ये करने के लिए। तो भूलना मत, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपको मुंह से सांस लेना है, नाक से नहीं। और जब ऐसा स्क्वीज करते रहेंगे छोड़ना मत, स्क्वीज करते जाओ। जब ये मिडिल में पहुंचेगा, ऐसा पहुंचेगा मिडिल में, तो आप बॉटल आधा खाली हो जाएगा। तो मतलब आधा बॉटल इधर के लिए, दूसरा आधा बॉटल है ये साइड क्लीन करने के लिए। क्लीन करने के बाद आप थोड़ा से ब्लो कर दो ये पानी निकालने के लिए, उसके बाद टिश्यू से साफ कर दो। ऐसा ही ये साइड में भी आपको करना है। और करने के बाद अगर जो डॉक्टर बोले कि नाक में ड्रॉप्स डालना है तो ड्रॉप्स डाल सकते हैं, डॉक्टर बोले कि स्प्रे यूज कर रहा है तो इसके साफ करने के बाद स्प्रे भी यूज कर सकते हैं। कभी कभार बोलते कि सिर्फ नमक का पानी यूज से साफ कर लो नाक, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको कैसा यूज करना है ये डेमोन्स्ट्रेट करता हूं।